अबे खाली क्यों बैठा है? वो वीडियो पड़ी है, वो एडिट कर लेना। हो गई हो गई बड़ी जल्दी। वो म्यूजिक वीडियो वाला प्रोजेक्ट पड़ा है, वो कर ले इतने एडिट, उसे खत्म कर। वो भी हो गया भाई। वो भी हो गया? अबे सही बता भाई, उसमें कम से कम 4 दिन लगने थे, वो कैसे हो गया? अबे हो गया यार वो भी, तू अपना काम करना। क्या व्लॉग कर रहा है? हाँ व्लॉग, छोटे मोटे एडिट, 10 मिनट में कर दूं मैं ये सब। 10 मिनट? हाँ 10 मिनट। दिखा ये ले, हो गया। अबे तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसी एक वेबसाइट है जहां पर अपनी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब चाहे वो अपने आप फोन से अपलोड करें, अपने पीसी से अपलोड करें, अपने लैपटॉप से अपलोड करें, ये एआई वेबसाइट तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो एडिट करके दे देगी। वीडियो को ट्रिम करने से लेकर म्यूजिक, जूम इन जूम आउट, कैप्शन, सब कुछ। अब इतने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही में वेबसाइट काम करती भी है? आओ देख लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर कैमरा रखा है, यहाँ पर हम शूट करेंगे, दोनों तरफ लाइट्स हैं। अभी शूट करते हैं, जो हम अपने एआई को एडिट करने के लिए देंगे उस वाले पार्ट को मैं ट्राई करूंगा 1 से 2 मिनट का शूट करने का, और उसको फिर वो रॉ ही पार्ट हम दे देंगे, बाकी कट वो सब कुछ खुद लगाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या मेरी जॉब खा पाएगा ये एआई या फिर मेरी जॉब खा पाएगा, दोनों एक ही बात है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 3, 2, 1। इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, और सब कुछ करने के बाद हम चलते हैं अपना सीधा वेबसाइट पर wisecut.video। यहाँ पर इनका कहना है कि ये एआई वीडियो में तुम्हारा सब कुछ कर देगा, कट्स लगा देगा, जूम इन जूम आउट कर देगा, कैप्शन लिख देगा, म्यूजिक लगा देगा, ट्रांजिशंस लगा देगा। ये एआई मेरी जॉब खाने वाला है और ये मैं होने नहीं दे सकता। वैसे कर क्या क्या रहा है ये देख लेते हैं। सेव टाइम विद ऑटो कट साइलेंसेस, साइलेंसेस को हटा देगा, देख लेंगे हम ये भी क्या करता है। एंगेज योर ऑडियंस विद ऑटो सबटाइटल्स एंड ट्रांसलेशंस, ओहो सबटाइटल्स भी कर देगा। स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक दैट एक्चुअली फिट्स योर वीडियो, ओह मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये म्यूजिक भी तुम्हारी वीडियो के हिसाब से लगाएगा। ऑटोमेटिक ऑडियो डकिंग, ऑटोमेटिक ऑडियो डकिंग होता है जब तुम बोल रहे हो तो म्यूजिक कम हो गया, लेकिन जब तुम नहीं बोल रहे तो वापस से म्यूजिक बढ़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अकाउंट बना लिया है, मैं ट्राई कर लेना हूँ जिससे तुम्हें ट्राई ना करना पड़े। अब सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है, ये कह रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं जो हमने शूट की है, एंड अपलोड। यहाँ पर तुम एक फाइल 1 GB तक की अपलोड कर सकते हो, और ड्यूरेशन जो वीडियो का है वो 30 मिनट्स होना चाहिए, उससे कम ही। उसके बाद इसमें तुम्हारा फ्री प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा ये तुम पीसी फोन कहीं से भी चला सकते हो, ये वेबसाइट है। देखते हैं क्या मेरे लात लगने वाली है या नहीं। अभी यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो फाइल है, तो मल्टीपल भी अपलोड कर सकते हो। ड्रैग टू रीऑर्डर, अच्छा जैसे तुम यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स अपलोड करोगे तो वो तुम रीऑर्डर कर सकते हो आगे पीछे कहीं पर भी, जिससे उसे समझ आ जाएगा कि वीडियो को कैसे मैनेज करना है। वीडियो हो गई अपलोड, जाते हैं नेक्स्ट पर। प्रोजेक्ट नेम डाल देते हैं जैसे कि AI वीडियो टेस्ट। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डालनी है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो यहाँ पर डाल देते हैं हिंदी। अब यहाँ पर ये फीचर्स दिखा रहा है क्या क्या ये कर सकता है। कट लगा देगा तुम्हारी वीडियो में, फिर यहाँ पर साइलेंस हटा देगा, म्यूजिक लगा देगा तुम्हारी वीडियो में, ऑटो डक कर देगा, ऑटो पंच इन एंड आउट यानी कि जूम इन जूम आउट कर देगा तुम्हारी वीडियो में, बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन। एक्चुअली मेरी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस है ही नहीं, तो मैं इसे ऑन नहीं करूंगा। और यहाँ पर ये तुम्हारी वीडियो में कैप्शन ऐड कर देगा, इसको इनेबल कर देते हैं। बैकग्राउंड नॉइस मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्रिएट प्रोजेक्ट, और पसीने क्यों आ रहे हैं मुझे। Will notify you by email. यहाँ पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, रात के 3:42 हुए हैं, और देखते हैं इनका मेल कब तक आएगा, सुबह ना आ जाए बस। अभी सुबह की बात कर रहा था, अभी भी 3:42 हुए हैं, और मैं इनकी दूसरी टैब पर आया तो मैंने देखा कि मेरी वीडियो 63% हो भी चुकी है, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ अब तक तो। 1 मिनट अपग्रेड पे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर तुम्हें करंट प्लान फ्री प्लान में तुम्हें मिलता है 30 मिनट्स पर मंथ, फिर यहाँ पर स्टार्टर पैक में तुम्हें मिलता है 8 आवर्स पर मंथ, और प्रोफेशनल में मिलता है 30 आवर्स पर मंथ। एंड इतने मेरी वीडियो AI एडिट कर रहा है, तो गेम खेल लेता हूँ और क्या। हो गई वीडियो, Oh my God, your video is looking quite engaging. अच्छा इसने यहाँ पर 16 seconds of awkward silence removed. 5 jump cut थे इसमें, 61 lines of subtitles created. Music लगा दिया है, audio को enhance कर दिया है, and zoom in zoom out भी कर दिया है. आइए दोस्तों video देख लेते हैं कैसी की है. करते हैं यहाँ पर play. तो अभी हम start कर रहे हैं 3, 2, 1.
इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ दो लोगों को जोड़ने की परंपरा है, लेकिन नहीं, ज़ूम इन हुआ है। जब आप इस बात की यहाँ पर थोड़ा सा कट छोड़ दिया इसने, पता लगेगा कि इस वीडियो का कोई मतलब है ही नहीं। ये वीडियो आपकी जिंदगी में कहीं भी काम नहीं आने वाली। यहाँ पर मैंने जानबूझ के दोबारा रिपीट करा था जिससे मैं ये चेक कर पाऊँ कि ये इसको रिमूव करता है या नहीं, बट नहीं। एंड यहाँ पर कैप्शंस भी नहीं है यार, इसने कहा था कैप्शंस भी करके देगा। म्यूजिक सही लगा दिया है, जूम इन जूम आउट भी ठीक है, कट्स थोड़ा अच्छे से नहीं किए क्योंकि गैप्स वहां पर दिख रहे थे जहां पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। यहाँ पर तुम इसको एडिट भी करके देख सकते हो, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वाला सीन, ये सीन और ये सीन यहाँ पर रिमूव हो गया है और यहाँ से उन्होंने शुरू करा है एडिट, स्टार्ट कर रहे हैं 3-2-1। ओ माय गॉड, गुड। सबटाइटल भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो जो कि इसने यहाँ पर लिख दिए हैं बट मेरी वीडियो में मुझे नहीं दिख रहे, जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं इन 3-2-1 इंडियन कल्चर में, शायद शादी को शायद कर दिया इसने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं वैसे तो इसने, तुम यहाँ पर चाहो तो म्यूजिक चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सीरियस टॉपिक बोल रहा था तो इसने उस हिसाब से वैसा म्यूजिक नहीं लगाया, बट फिर भी ठीक है यार, ये वाला चल सकता है म्यूजिक, तो इसको लगा के देखते हैं। एंड लगा दिया इसने क्लिक करने के बाद यार। ओ अच्छा, यहाँ पर है सबटाइटल्स हैं शायद, जो हमने म्यूजिक चेंज किया है उसको और चेंज करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पर ये इसको रेंडर कर रहा है, एंड जो हमने यहाँ पर म्यूजिक चेंज किया था अब उसने वो भी कर दिया है और इसको लगे शायद 6 मिनट के करीब म्यूजिक चेंज करने में। इंडियन कल्चर में शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सही है, बट कैप्शन इसमें अभी भी नहीं लिखे हैं, तो एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट इन फुल HD 1080p में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, और अभी के लिए हम इसे फ्री में 720p में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वही कर देते हैं एक्सपोर्ट वीडियो, देखते हैं कितनी देर में कर पाता है। हाँ, तो अभी हो रहा है 354, और जब ये एक्सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पर तुम्हें ईमेल देखने को मिल जाता है जिस ईमेल से तुमने साइन इन किया है। एंड वी आर बैक, और इसने वीडियो को कर दिया एक्सपोर्ट, टाइम हुआ है 359, 4 मिनट में वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया भाई इसने, ये तो मेरे PC से भी फास्ट है, मेरे से फास्ट क्या। अब यहाँ पर हम वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, तो डाउनलोड फिनिश्ड वीडियो, और हाँ इसने सबटाइटल्स वीडियो में नहीं लिखे, अलग से लिख दिए हैं, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं, इसने वीडियो में भी लिखे हैं, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 3-2-1। इंडियन कल्चर में शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ दो लोगों को जोड़ने की परंपरा है, लेकिन नहीं, ये दो परिवार को साथ लाने की परंपरा है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए, अगर सन्नी लियोनी की शादी सन्नी देओल से हो जाए तो दोनों का नाम सन्नी देओल हो जाएगा। जब आप इस बात यहाँ पर कट नहीं है अच्छे से, बट म्यूजिक अच्छे से लगा हुआ है कि इस वीडियो का कोई मतलब है ही नहीं। ये वीडियो आपकी जिंदगी में कहीं भी काम नहीं आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। ओ, तुम्हें यहाँ पर मेड विद वाइज कट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये हमें सबटाइटल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो तुम अपनी वीडियो में कनेक्ट कर सकते हो यूट्यूब में। हाँ, तो ये AI तो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, मैंने और भी जगह सर्च करा बाकी वेबसाइट्स के बारे में, बट सबसे अच्छा लोगों ने इसी को बताया था। बट बड़े भाई, अच्छे से एडिट करना हो तो मेरे पास आओ। ये क्या AI से कट लगवा रहे हो? बट सीरियसली बात करें तो अभी AI को नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है वीडियो में क्या नहीं, वो आपकी वीडियो में से गैप्स को हटा सकता है जो बहुत ही इजी है। दूसरा, कैप्शंस आप ऑटो जनरेटेड कहीं से भी लिखवा सकते हैं तो इसमें भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक आप अच्छे से लगवा सकते हैं, और जूम इन जूम आउट कहीं पर भी लगा दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये सब काम के लिए ये फिर भी ठीक ही ऑप्शन है। तो अगर तुम अपनी वीडियो शूट करते हो और उसके बाद जैसे इसने म्यूजिक लगा दिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया तुमने, तुम भी इजिली 2 मिनट में म्यूजिक लगा दोगे, उसकी वॉल्यूम को डक कर दोगे अच्छे से। फिर अगर हम जूम इन जूम आउट करें तो एडजस्टमेंट लेयर को मैं कॉपी कर करके लगा सकता हूँ, उसमें भी मुझे 3 मिनट लगेगा हद से हद, अगर वो 10 मिनट की वीडियो हुई। फिर बात करें अगर हम नॉइस रिडक्शन की या फिर बैकग्राउंड नॉइस को हटाने की, वो भी एक क्लिक में हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो जो यहाँ पर इसने किया है वो हम भी इजिली कर सकते हैं, क्योंकि गैप्स को हटाना, म्यूजिक लगाना, ये सब में टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम लगता है कैप्शंस वाले पार्ट। तो वो पार्ट इसने ठीक से किया, बल्कि ठीक से भी नहीं किया, तुम वहां पर एडिट कर सकते हो अच्छे से। तो अभी भी मैं इसको दूंगा 10 में से 1 मार्क्स, अगर मैं अपने आप को 10 में से 10 दे रहा हूँ तो। AI तो पीछे ही रहेगा यार, अभी के लिए तो मुझे कोई AI रिप्लेस नहीं कर रहा। बच गई जॉब।
तो दोस्तों ऐसे ही अगर और भी टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे और लोग भी जान पाएं और लोगों को भी ज्ञान मिले। सब यहाँ पर इकट्ठा ज्ञान लेंगे। और लोगों को ये लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आई है। और भैया सब्सक्राइब तो बनता है, अब AI से करवाऊंगा सब्सक्राइब भी मैं।